ये है इन्फिनिक्स 05G और अभी तक आप बहुत सारे अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो ऑलरेडी देख चुके होंगे, लेकिन यहाँ पर ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस बिल्कुल क्लियर है। और यहाँ पर मैं एक किताब खोल के ऑलमोस्ट आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि ये फ़ोन आता है 20,000 रुपये का और इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो 20,000 रुपीज़ भाई बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बहुत ही प्रैक्टिकल ये वीडियो होने वाला है और इस वीडियो के अंदर मैं इस स्मार्टफोन को रियलमी, रेडमी, सैमसंग, वीवो, आईक्यू के 5G डिवाइसेस के साथ कंपेयर भी करूँगा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है। वैसे एक बात है, जब कोई ब्रांड अपने बॉक्स और पैकेजिंग पे बहुत मेहनत करता है, इसका मतलब वो स्मार्टफोन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पैकेजिंग की वजह से तो एक फ्लैगशिप लेवल के स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग की फीलिंग आ रही है। सबसे पहले स्मार्टफोन है, इसको साइड में रख देता हूँ। और इसके बाद है बॉक्स के अंदर एक बैक कवर, नाइस क्वालिटी, यूजर मैनुअल, स्क्रीन प्रोटेक्टर, एक्स क्लब मेंबरशिप कार्ड, सिम इजेक्टर टूल, 33 वॉट का चार्जर और एक टाइप ए टू टाइप सी की केबल। वैसे नए स्मार्टफोन का ये स्टिकर हटाने में बहुत मजा आता है। लुक एंड फील की बात करूं तो यहाँ पर दो कलर्स का ऑप्शन है, स्काईलाइट ऑरेंज और कॉस्मिक ब्लैक, जिसमें से मुझे पर्सनली ये वीगन लेदर वाला ऑरेंज कलर ज़्यादा पसंद आया। वैसे अपनी अपनी चॉइस है, यहाँ पर आपको शाइनी लुक देखने को मिलेगा, फिंगरप्रिंट मैग्नेट भी है तो बैक कवर लगा के रखना, बट इस वीगन लेदर वाले पे कोई फिंगरप्रिंट का निशान नहीं आने वाला। मैंने तो ऑलरेडी बैक कवर चढ़ा लिया है। बाकी डिस्प्ले डिज़ाइन और परफॉर्मेंस की बात करूं, डिस्प्ले 120 हर्ट्ज़ का है, साइज़ भी बड़ा है 6.78 इंचेस और ये एक LTS पैनल है। अगर मैं सिंपल भाषा की बात करूं तो जो LCD IPS पैनल होते हैं उनके मुकाबले LTPS पैनल जो है वो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि यहाँ पर पॉलीक्रिस्टलिन का यूज़ किया जाता है और ब्राइटनेस का लेवल भी यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ही रहता है। इस स्मार्टफोन के अंदर 500 निट्स की ब्राइटनेस आपको देखने को मिलती है। मैंने इंडोर और आउटडोर दोनों ही जगह पे इसको इस्तेमाल किया है, कोई प्रॉब्लम मुझे देखने को नहीं मिली। और एक और फर्क रहता है LTPS और IPS पैनल के अंदर, ये थोड़ा सा ठंडा रहता है, मतलब नॉर्मल IPS पैनल पे अगर आप टच करेंगे स्क्रीन पे तो थोड़ा सा हीट हो जाता है गेम वगैरह खेलते टाइम। लेकिन जितने हमने गेम खेली, एक चीज़ हमने यहाँ पर नोटिस करा कि जो पैनल है वो नॉर्मल IPS LCD के मुकाबले काफ़ी ठंडा रहता है। प्रोटेक्शन की बात करें तो NEG DynoRex T2X1 ग्लास का प्रोटेक्शन है, और बोलने के बजाय इसका ड्रॉप टेस्ट ही करके देख लेते हैं। अब आप ये मत बोलना कि छत से इसको गिरा दूँ, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन के अंदर यही होता है यार, पॉकेट से नीचे गिर गया या फिर हाथ से जो है नीचे गिर गया, तो हाइट जो है वो इतनी ही रहती है। बाकी फोन की तरफ से मैं नीचे गिरा रहा हूँ, आप देख सकते हैं, और फ़ोन जो है वो ठीक काम कर रहा है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम फ़ोन के अंदर नहीं आ रही। परफॉर्मेंस की बात करूं तो MediaTek Dimensity 900 का प्रोसेसर है और 13 5G बैंड के साथ ही आता है। इंडिया के अंदर मेरे ख्याल से इस स्मार्टफोन के अंदर सबसे ज़्यादा 5G बैंड है। जियो और एयरटेल के ऊपर ऑलरेडी 5G का टेस्ट इसके ऊपर हो चुका है, तो इसका मतलब जब भी एयरटेल और जियो का 5G लॉन्च होगा वो इस फोन के ऊपर चलने वाला है। ये एक 6 nm का प्रोसेसर है और 20K के बजट को अगर मैं देखूं तो ज़्यादातर मुझे 800 सीरीज़ के प्रोसेसर या फिर उससे भी नीचे के प्रोसेसर जो है देखने को मिले, तो परफॉर्मेंस तो आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। और एक बात मैं आपको और बताऊं कि इन्फिनिक्स 05G के अंदर LPDDR5 की रैम है और UFS 3.1 की स्टोरेज है, जबकि इस रेंज के अंदर क्या, मैं 20,000 से 25,000 रुपये की रेंज के अंदर भी जाता हूँ तो वहाँ पर सभी स्मार्टफोन्स के अंदर UFS या तो 2.1 है या 2.2 है, और बाकी सारे स्मार्टफोन्स के अंदर LPDDR4 की रैम है। तो जेन्युइनली यार कॉम्बिनेशन तो काफ़ी सही है, रैम भी फास्ट है, स्टोरेज भी फास्ट है, प्रोसेसर भी फास्ट है, और इसकी वजह से जो रीड एंड राइट की स्पीड है वो भी फास्ट है, और बैकग्राउंड के अंदर ऐप किल भी नहीं होती, मतलब रैम मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी सही देखने को मिला मुझे। बाकी BGMI को हाई सेटिंग्स पर हमने प्ले किया, कॉन्टिन्यूस 58 से 60 FPS हमें मिले और हमने BGMI को HDMI ग्राफिक्स एंड अल्ट्रा फ्रेम रेट पर सेट किया हुआ था। गेम प्ले जो है वो स्मूथ रहा और हीटिंग का भी कोई इशू मुझे देखने को नहीं मिला। एंटूटू स्कोर की अगर बात करूं, वैसे मैं इन स्कोर्स को इतना नहीं मानता हूं, जो एक्चुअल में परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलती है उस पर मेरा ज़्यादा फोकस रहता है, लेकिन फिर भी नंबर्स को अगर मैं ध्यान में रखूँ तो ब्रांड ये बोलता है कि 4,75,000 का स्कोर जो है वो एंटूटू पे देखने को मिला, लेकिन जब हमने इसको टेस्ट किया तो ये 4,81,000 के स्कोर को भी क्रॉस कर गया। बाकी थर्मल्स काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहे थे, जो बार है वो ग्रीन पे ही लगातार मेंटेन रहा, काफ़ी देर तक हमने इसको चेक किया है। बाकी और भी गेम्स हमने इस पे प्ले करी है, चाहे मैं बात करूँ COD की या फिर एसपाल्ट 9 की, सारी गेम स्मूथ चल रही थी, वाईफाई 6 का सपोर्ट है तो गेम डाउनलोड भी जल्दी हो रही थी। बाकी गेम खेलते हुए एक चीज़ मुझे मालूम पड़ी कि यहाँ पर स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट नहीं है, सिंगल स्पीकर है, मैं उसकी क्वालिटी भी आपको सुना देता हूँ। अब यार इस बजट के अंदर नॉर्मली स्टीरियो स्पीकर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। बाकी क्वालिटी की बात करूं तो ट्रेबल थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब तीखापन सा थोड़ा देखने को मिलता है, बेस थोड़ी सी कम है, बहुत लाउड नहीं है, मतलब एक बैलेंस सी साउंड आपको देखने को मिलेगी। सेफ्टी सिक्योरिटी की बात करूं तो फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो साइड माउंटेड है,
और काफी फास्ट है, काफी एक्यूरेट है। फेस अनलॉक को भी हमने ट्राई करा और वहां पर भी आपको डिसेंट स्पीड देखने को मिल जाएगी। अब आप पूछोगे कि ड्यूल 5G का सपोर्ट है कि नहीं है, डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड है कि नहीं है, कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट मिलता है कि नहीं मिलता। तो यहाँ पर इस फोन के अंदर मैंने अपनी प्राइमरी सिम को इंस्टॉल करा, कॉल्स करी, काफी सारी रिसीव भी करी, कोई दिक्कत मुझे देखने को नहीं मिली। और हाँ, यहाँ पर कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाता है और डेडिकेटेड एसडी कार्ड का स्लॉट भी है, जो कि यार अच्छी बात है। मैंने जितना स्मार्टफोन को इस्तेमाल करा, 5000 mAh की बैटरी है, डेढ़ दिन जो है वो मेरा आराम से निकल गया, बाकी 33 वॉट का फास्ट चार्जर है। कैमरा मॉड्यूल की बात करूं तो रियर में प्राइमरी कैमरा 48 MP का है और इसमें 30x का जूम भी है। मैंने करके भी देखा, आप अगर बाय करो तो आप भी जूम करके देख लेना, 13 MP का पोर्ट्रेट लेंस है और ये पर्सनली मुझे काफी पसंद आया, क्योंकि 20,000 रुपए से नीचे की प्राइस टैग पे मेरे ख्याल से अकेला फोन है जो कि पोर्ट्रेट लेंस 30 MP का दे रहा है और बुके इफेक्ट इससे बहुत अच्छा बन के आ रहा है। एजेस भी काफी शार्प है और कहीं ना कहीं जो कॉम्बिनेशन है 48 MP के मेन कैमरे का और 13 MP के पोर्ट्रेट लेंस का, इससे कहीं ना कहीं जो रियर कैमरा है उसमें एक बैलेंस सा बन के आया है। हाँ, अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस जो है वो मिस है, अगर वो होता तो एक अच्छा कैमरा मॉड्यूल जो है वो बन जाता। 2 MP का डेप्थ लेंस आपको देखने में मिलता है और उसके बारे में मैं क्या ही बात करूं। सेल्फी जो है वो 16 MP की है, कुछ सैंपल इमेजेस मैं इस वक्त आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, साथ ही फ्रंट और रियर कैमरे का वीडियो सैंपल भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये है सेल्फी कैमरा इन्फिनिक्स 05G का और जिस तरीके से एक्सपोजर पीछे जो है मेंटेन किया गया है, इसमें तो मुझे कोई प्रॉब्लम अभी नहीं लग रही है, बट होप सो एडिटिंग टेबल पर भी सेम ही तरीके की परफॉर्मेंस देखने को मिले। तो ये है रियर कैमरा, मतलब इस वक्त मैं वॉक कर रहा हूँ तो स्टेबलाइजेशन का आइडिया भी आपको लग जाएगा। यहाँ पर भी 4K 30 FPS पे आप वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये तो थी फोन के बारे में सारी बातें। अब एक अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ कि ये फोन आपका 13,999 रुपए में भी हो सकता है। ये फोन अवेलेबल है फ्लिपकार्ट के ऊपर, वहां पर स्मार्ट अपग्रेड प्लान जो है वहां पर आप 13,999 रुपए दे के स्मार्टफोन को ऑन कर सकते हैं और बाकी की जो पेमेंट है वो पूरे 1 साल के बाद आप दे सकते हैं। और अगर आप जल्दी जल्दी फोन चेंज करते हैं तो 1 साल के बाद दूसरा फोन भी ले सकते हैं, और अगर 1 साल के बाद आप इस फोन को अपने पास ही रखना चाहते हैं तो बैलेंस पेमेंट जो है वो भी दे सकते हैं। तो 70% पेमेंट देकर भी आप इस 05G को ऑन कर सकते हैं, और अगर आप प्लानिंग कर चुके हैं इसको बाय करने का तो 1 रुपया एक्स्ट्रा देकर आप 1,000 रुपए वर्थ के इन्फिनिक्स के TWS भी ले सकते हैं। तो ऑफर्स तो काफी सारे चला रखे हैं ब्रांड ने। आप नीचे मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आपको अंडर 20,000 रुपीज वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन लग रहा है कि नहीं लग रहा, और अगर आपका कोई भी सवाल है इस स्मार्टफोन को लेके तो मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा एक डिटेल्ड रिव्यू, ताकि मैं इसका बना सकूं। बाकी इसी तरीके की वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलता हूं आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।